हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुरान से राहत मिलने के बाद फैल को 2 जुलाई से खोल दिया गया है। हो सकता है कि बाली को भी खोल दिया जाए जल्द ही। वैसे इंडिया से अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं खुली हैं, आशा है कि वह भी जल्द खुल जाएगी। बहुत से इंडियंस हॉलीडे और हनीमून प्लान करते वक्त ये सोचते हैं कि कहाँ जाया जाए, बाली या थाईलैंड, क्योंकि दोनों जगह इंडियंस के लिए काफ़ी पॉपुलर है। मैंने दोनों देशों की यात्रा की है और मेरे आने वाली कॉम्पिटिशन सीरीज में मैं इन सब जगहों की सारी विशेषताओं को डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी हो। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि आप कोई भी कॉम्पिटिशन वीडियो मिस ना करें। और आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ से मुझे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाली और थाईलैंड दोनों ही काफ़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ ढेर सारे आइलैंड्स हैं, नेचुरल ब्यूटी के भरमार हैं, उसके अलावा नाइट लाइफ भी शानदार है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं, जैसे फ्लाइट्स है, वीज़ा है, सेफ्टी इशू है, होटल्स है, खाना पीना है, कम्युनिटी मतलब कहाँ पर कैसे घूमें, अट्रैक्शंस मतलब कि कहाँ कहाँ घूमना है। तो आइए अब हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इंडिया से थाईलैंड के करावी, फुकेट और बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, जबकि बाली की कनेक्टिंग फ्लाइट्स है। जहाँ तक प्राइस की बात है तो इंडिया से थाईलैंड की रिटर्न टिकट बहुत सस्ती पड़ती है। कोलकाता से तो कभी कभी 8,000 रुपये रिटर्न टिकट मिल जाती है। इंडिया से बाली की रिटर्न टिकट 16,000 से शुरू होती है। जहाँ तक वीज़ा की बात है, थाईलैंड का वीज़ा ऑन अरेवल होता है, उसके लिए पहले तो 2,000 भात लिए जाते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। और जहाँ तक बाली का वीज़ा है, बाली आता है इंडोनेशिया में, तो वहाँ पर वीज़ा का प्रोसेस काफ़ी इजी है। वहाँ पे सिर्फ आपको अपने पासपोर्ट पे स्टाम्प लगवाना होता है और ये काफ़ी ईजी होता है। बाकी जब इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलेगी तो हो सकता है कि नियम चेंज भी हो जाए। जहाँ तक करेंसी की बात है तो थाईलैंड में चलता है थाई भात, और एक थाई भात के करीब 2.40 रुपये इंडियन होते हैं। और बाली की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है और वहाँ की करेंसी काफ़ी सस्ती है। 1,00,000 इंडोनेशियन रुपया के सिर्फ 500 रुपये इंडियन देने पड़ते हैं। तो अगर कोई बोलता है कि 1,00,000 रुपये का खाना खाया था मैं इंडोनेशिया में, तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि 1,00,000 रुपया इंडोनेशियन रुपया का मतलब सिर्फ 500 रुपये इंडियन होते हैं। जहाँ तक सेफ्टी की बात है, वैसे तो थाईलैंड और बाली दोनों जगह काफ़ी सेफ है, लेकिन बाली में कुटा बीच के आसपास कभी कभी पिक पॉकेटिंग हो जाती है, तो थोड़ा सा वहाँ पे बाली में सावधान रहना पड़ता है। वैसे लोगों का अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है। थाईलैंड में बैंकॉक तो है ही, उसके अलावा फुकेट और करावी काफ़ी पॉपुलर हॉनीमून डेस्टिनेशन है। और बाली में घूमने के लिए आपको बाली के अलावा नुसा पेनिडा और गिर त्रंगन है। जहाँ तक नाइट लाइफ की बात है, थाईलैंड की नाइट लाइफ काफ़ी हैपनिंग है। वैसे बाली में भी नाइट लाइफ होता है, लेकिन कुटा बीच के आसपास कुछ नाइट्स क्लब है और गिर त्रंगन में भी थोड़े बहुत नाइट्स क्लब तो हैं ही। पर कंपेरिजन किया जाए तो नाइट लाइफ ज़्यादा अच्छी है थाईलैंड की, और वहाँ पर काफ़ी सिंगल्स भी जाते हैं, वहाँ के तो क्लब काफ़ी फेमस हैं। जहाँ तक बेस्ट टाइम टू विजिट की बात है, थाईलैंड का जो मेन टूरिस्ट सीजन है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है, जबकि बाली में ये अप्रैल से अक्टूबर तक है, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। तो दोनों जगहों के टूरिस्ट सीजन में अंतर है, तो आप अपने हिसाब से अपना प्लान शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो थाईलैंड और बाली दोनों में आपको होटल से मिल जाएंगे। अगर आप सिंगल जाते हैं तो दोनों कंट्रीज में आपके लिए सस्ते हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं, तो होटल्स के प्राइस में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर गया खाना पीना, तो थाईलैंड में आपको 2 आदमियों के लिए एक टाइम का खाना करीब 1,000 में हो सकता है। बाली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वहाँ पे 2 आदमी के लिए आपको 1,200 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो थाईलैंड में आपको एक और ऑप्शन है, आप 7-Eleven में जा सकते हैं, तो एक टाइम का खाना आप 100 रुपये इंडियन में भी खा सकते हैं। जहाँ तक घूमने फिरने की बात है,
तो थाईलैंड में आपको थोड़े चीपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि थाईलैंड में बसेस चलती हैं। उसके अलावा आप वहाँ पे स्कूटी भी रेंट पे ले सकते हैं, शेयर्ड शटल बसेस भी वहाँ पे चलती है, और वहाँ पे टुकटुक भी चलते हैं। जबकि बाली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है, मतलब कि बसेस नहीं चलती हैं, वहाँ पे आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं या टैक्सी बुक कर सकते हैं। वैसे वहाँ पे टैक्सी सस्ती होती है। आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको डिटेल्स में बाली और थाईलैंड के टूरिस्ट स्पॉट के बारे में बताऊंगा। बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप कौन सा ट्रैवल गियर यूज़ करते हैं और कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं, तो उन सब की लिस्ट मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं। वहां से आप देख भी सकते हैं और वहां से आप परचेस भी कर सकते हैं। और ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।